हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इन डिफेंस ऑफ शाइनेस बाय हेरोल्ड जॉर्ज निकोलसन। ये एक सेटेरिकल ऐसे हैं और इस ऐसे में हेरोल्ड शाइनेस के बेनिफिट और इम्पोर्टेंट एक्सप्लोर करते हैं। ही टेल्स दैट शाइनेस इज इजेंटियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। शाइनेस हमें इविल वर्क से दूर रखता है। राइटर बताता है कि शाइनेस दो तरह के होते हैं, एक फिज़िकली, दूसरा मेंटली। फिज़िकली शे वाले लोगों को उनकी एक्टिविटी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब जब वे कोई एक्टिविटी करेंगे, जैसे जब उनको शर्म आएगी तो अपने हाथों को इधर उधर करेंगे, या फिर किसी चेयर के ऊपर बैठे हैं तो अपने पैरों को हिलाने लग जाएंगे। बट मेंटली शे वाले लोग अपनी बात नहीं बता सकते, मतलब उनको किसी के साथ कन्वर्सेशन करने में शर्म आती है। राइटर शाइनेस के बेनिफिट्स बताता है और कहता है कि मान लो एक मैन जो थोड़ा शर्मीला टाइप का है तो सोसाइटी में सभी लोग उसको जेंटल पर्सन समझने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ हिज शाइनेस, और उस मैन को अपनी शाइनेस पर गर्व होने लग जाएगा और वह शाइनेस को इंजॉय करने लगेगा। राइटर बताता है कि अगर आपको भी अपने सोसाइटी में जेंटल पर्सन बनना है तो आपको आपके हर्ट से, ईर्ष्या, द्वेष, इनको रिमूव करना होगा और शाइनेस लानी पड़ेगी। आगे राइटर बताता है कि लिटरी वर्ल्ड में बहुत से पोइट शर्मीले थे और बहुत से पोइट शर्मीले नहीं भी थे, जैसे वर्न, होरेस, दांते। ये तीनों पोइट शर्मीले टाइप के नहीं थे, हालांकि इनकी कविता सॉफ्ट एंड इमोशनल थी, बट ये पोइट शाइनेस टाइप की कैटेगरी में नहीं आते। वर्न रोमन का कवि था, होरेस बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, और दांते भी शर्मीले टाइप के पोइट्स में नहीं आता। बट एक रेसाइन नाम का पोइट था, यह बहुत ज़्यादा शर्मीला था। एक बार इसको शर्म महसूस हुई तो इसने खुद को पोर्ट रॉयल के पीछे छिपा लिया। तो इसी तरह राइटर शाइनेस या शर्मीलेपन के बारे में बताता है कि यह कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई 30 साल से कम एज का है और शर्मीले मिजाज का नहीं है तो वह डेफिनेटली ओल्ड एज में एक पकाऊ या डल आदमी होगा। राइटर कहता है कि शर्मीलापन या शाइनेस एक तरह से गॉड गिफ्टेड है, और गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ बेकार नहीं हो सकती। शाइनेस हमारे विशेषाधिकार हैं। अब राइटर एक स्टोरी सुनाता है। जब वह अपनी दादी के पास आयरलैंड में रहा करता था, उस समय राइटर की एज 12 वर्ष थी और उसकी दादी के घर में एक और लड़का रहता था जिसकी एज 14 साल थी। इसका नाम इवरोल्ड था। राइटर इवरोल्ड से बहुत ज़्यादा हेट करता है। राइटर की दादी जब भी टी पार्टी रखती तो राइटर का काम होता सभी मेहमानों को चाय के साथ केक भी परोसे। बट ये टास्क राइटर के लिए इतना इजी नहीं था, क्योंकि उसको केक परोसने के बाद उस पर ढक्कन लगाना होता था, और अगर राइटर ढक्कन नहीं लगाता तो दादी से डांट पड़ती। एक बार राइटर ने ढक्कन को किसी फोटो एल्बम के ऊपर रख दिया तो एल्बम ख़राब हो गया और दादी से डांट पड़ी, वो बात अलग। ढक्कन की चिकनाई की वजह से उस एल्बम पर निशान पड़ गया। राइटर की दादी ने कहा, आज से केक परोसने का काम इवरोल्ड करेगा और तुम कुछ सीखो उससे। बट राइटर खुद को इवरोल्ड से बेस्ट समझता है। तो दोस्तों, इस तरह राइटर शाइनेस के बारे में फैक्ट्स बताता है। ये थी इस ऐसे की एक क्विक समरी। अब अगर आप इस ऐसे को पढ़ेंगे तो आपको इसकी थीम समझ में आ जाएगी।